हिमाचल में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब बगावत के सुर भी तेज होने लगे हैं। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल में स्थान पाने के लिए कई कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली में लॉबिंग भी शुरू कर दी है। दरअसल सोलन से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कर्नल धनीराम शांडिल उप मुख्यमंत्री के लिए अड़ गए हैं। शांडिल सोमवार को दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने हाईकमान के सामने तर्क रखा है कि मुख्यमंत्री राजपूत को बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, तो अनुसूचित जाति वर्ग को भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। शांडिल आरक्षित सीट से चुनाव जीते हैं। वो शिमला से दो बार के सांसद और तीन बार विधायक रहे हैं। सोनिया गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी तो वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे। इसके साथ पूर्व सैनिक भी हैं। ऐसे में उनका दावा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। शिमला लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के कारण वो इस पद की उम्मीद कर रहे थे। उनका मानना था कि इससे जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी संतुलित होता है। आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और अग्निहोत्री दोनों हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। इस सरकार में शिमला को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। शांडिल उत्तर पूर्व में एक राज्य के प्रभारी होने के कारण कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत दावा किया था। अब ये देखा जाना बाकी है कि क्या उन्हें उपयुक्त रूप से कोई पद दिया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट में उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाता है या नहीं। वो सोलन जिले में अपनी वरिष्ठता के आधार पर मंत्री पद हासिल कर सकते हैं। इस ऐलान पर खास तवज्जो फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी का सुन्नी इज्तिमा 16 तारीख को इंशाअल्लाह अज़ीम जुम्मा की नमाज के बाद से लेकर रात 10 बजे तक ख़वातीन का होगा और 18 तारीख फज्र की नमाज के बाद से लेकर रात 10 बजे तक इंशाअल्लाह मर्दों का होगा। 17 तारीख का इज्तिमा कैंसिल किया गया है। इस ऐलान को ख़ास तौर पर जहन के अंदर महफूज रखें। जो लोग 17 तारीख के इज्तिमा में शिरकत के लिए टिकट निकाल चुके हैं उनसे गुजारिश है कि फ़्लाइट और ट्रेन वगैरह से आने वालों के लिए मरकज़ पर इंतज़ाम रहेगा और जो लोग प्राइवेट कार बस ट्रक्स वगैरह से आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वो 18 की सुबह को वादी नूर पहुँचें। 17 तारीख सैटरडे को कोई भी वादी नूर इज्तिमा की गरज से न आएं, इसलिए कि 17 तारीख का इज्तिमा कैंसिल किया गया है और 18 की सुबह से इंशाल्लाह इज्तिमा शुरू होगा। इस ऐलान को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। हाँ, एक गुजारिश ज़रूर है कि अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाकर आप वायरल ना करें। बड़ी मेहरबानी होगी अगर सिर्फ इसी को आप वायरल करेंगे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कहने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान राजा पटेरिया ने विक्ट्री साइन दिखाया है। पुलिस ने पटेरिया को मंगलवार सुबह 5:30 बजे उनके घर से ही गिरफ्तार किया। पटेरिया अपने गृह नगर दमोह के हटा में थे। पुलिस ने उन्हें यहीं से अरेस्ट कर लिया। पटेरिया जब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया और कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, मैंने वो शब्द नहीं कहे थे, मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूँ। इससे पहले 11 दिसंबर को उन्होंने एक सभा में कहा था, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो, इन द सेंस हराने का काम करो। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पटेरिया को JMFC कोर्ट पवई लेकर पहुंची। इससे पहले मेडिकल चेकअप के लिए पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनको लेकर गई। प्रथम श्रेणी न्यायालय ने पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। हालांकि उनके इस बयान पर बीजेपी भी हमलावर है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को पटेरिया पर FIR के निर्देश दे दिए, जिसके बाद पन्ना के पवई थाने में केस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के असली भाव भी अब प्रकट हो गए हैं। हालांकि पटेरिया ने अपने बयान पर सोमवार की रात को माफी भी मांगी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं गांधी को मानने वाला हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता, मेरा वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक डॉन से पाकिस्तान घबराया हुआ है। खुद पाकिस्तानी गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने UP के माफिया डॉन का जिक्र करते हुए उसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बता दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी गृह मंत्री ने दावा किया कि यूपी का यही डॉन लश्कर ए तैयबा सरगना हाफिज सईद के लाहौर स्थित घर के बाहर विस्फोट करवाया था। पाकिस्तान जिस डॉन की बात कर रहा है उसका नाम बबलू श्रीवास्तव है। फिलहाल वह यूपी की बरेली जेल में बंद है, लेकिन पाकिस्तानी गृह मंत्री ने कहा कि बबलू श्रीवास्तव ने ही 23 जून 2021 को लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर विस्फोट करवाया, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। वही एक पुलिस कांस्टेबल सहित 24 अन्य लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तानी गृह मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए पाक पुलिस अधिकारी जनरल इमरान महमूद ने बबलू श्रीवास्तव को हाफिज सईद के घर के बाहर हुए विस्फोट का मास्टरमाइंड बताया। इमरान ने दावा किया
बबलू श्रीवास्तव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का फ्रंटमैन है। वो रॉ में टेरर फाइनेंसिंग और फैसिलेटिंग नेटवर्क को चलाता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने संजय कुमार तिवारी नाम के एक और व्यक्ति को रॉ का एजेंट बताया और आरोप लगाया कि संजय कुमार तिवारी बबलू श्रीवास्तव के टेरर नेटवर्क का सुपरवाइजर है। पाकिस्तान के दावे के बाद लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बबलू श्रीवास्तव कौन है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। यूपी के गाजीपुर का रहने वाला बबलू श्रीवास्तव अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात है। उसका असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। उसके पिता विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव कॉलेज प्रिंसिपल थे। उसके बड़े भाई सेना में अधिकारी हैं। एक अधिकारी की हत्या के मामले में वह उम्र कैद की सजा काट रहा है। जून 1999 से वह सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है। बबलू श्रीवास्तव के कनेक्शन डी कंपनी के सरगना और 1993 मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम से भी जुड़े थे।